झारखंड से 10 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, झारखंड से 10 क्वेश्चन पर, ठीक है। किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो किस स्थल पर, तो भवनाथपुर में, ठीक है, किस स्थल पर, भवनाथपुर। किसके समय में इचाक रामगढ़ की राजधानी बना, इचाक रामगढ़ की राजधानी बना, तो तेज सिंह के समय इचाक रामगढ़ की राजधानी बना, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर, है ना, भोजन मुहैया कराया जाता है, तो 5 रुपए। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई, तिलका मांझी को कब दी गई, 1785, बार बार बताया गया आप लोगों को, ठीक है, 1785 में फांसी दी गई, ठीक है। इनका जन्म 1750 में तिलकपुर गांव में हुआ था, देखिए तिलका मांझी तो तिलकपुर गांव याद रखें, ठीक है। ये संथाल जनजाति में से थे, संथाल जनजाति में से थे, ये राजमहल क्षेत्र में इनका पैतृक आवास था, राजमहल क्षेत्र। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पाव चलते हैं, ठीक है। तो ये मंडा में, मंडा पर में 9 दिन फास्टिंग करो, 10वां दिन कोयले पर चलने का काम करें, ठीक है। ये मंडा त्योहार अक्षय तृतीया बैसाख, ठीक है, तृतीय बैसाख माह में प्रारंभ होता है, ठीक है। और इस त्योहार में घर का एक सदस्य जो व्रती होता है उसे भगता कहते हैं, भगता, ठीक है, वही भक्ता मेला जी, है ना, भक्ता मेला, जिसमें आप देखोगे कि शरीर में देखोगे कि काटा, है ना, लोहा का काटा से चुभाया जाता, फंसाया जाता, या देखो मंडा, है ना, मंडा त्योहार, ठीक है। पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है, तो पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आप देखोगे गुमला, और देखो ये जेपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है जी, तो इस, ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये सब मैंने पहले बताया भी जा चुका, मैंने बताया भी है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो एक ही चीज बोलेगे, क्वेश्चन सर का लगता नहीं है, ठीक है। तो पालकोट जो है गुमला में पालकोट आश्रयणी कहाँ है, तो गुमला में, ठीक है। और पालकोट का प्राचीन नाम पंपापुर है, ठीक है, पंपापुर, पौसे पालकोट, पौसे पंपापुर, तो पालकोट का पुराना नाम क्या है, पंपापुर। या धार्मिक के अलावा पर्यटन स्थल भी हैं, याद रखिए, धार्मिक स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है, कौन है, पालकोट, ठीक है। नेक्स्ट, बोधकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित, बोधकालीन भद्रकाली, ठीक है, कहाँ है, तो चतरा में, याद रखिए चतरा में, ठीक है, कहाँ होगा जी, चतरा, तो चतरा के ईट खोरी जगह में, ईट खोरी, याद रखिए, कभी अगर आपका ऑप्शन चतरा नहीं रहे, ईट आप देख सकते हो, उसको याद रखिए, थोड़ा सा अपने शब्दों को थोड़ा सा खराब करेंगे, ठीक है। देखो खराब करने का दोस्तों, कैसे ना कैसे आपको याद रखना, चतरा गाली टाइप का याद रखो, है ना, तो जो होता है वो भद्दा दिखता है, उसको लोग फेंक फेंक के मारते हैं, तो भद्रकाली बोधकाली, भद्रकाली मंदिर कहाँ, चतरा के ईटखोरी में। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, ठीक है, तो कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, तो आप देखो संथाल, ठीक है। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था, देखिए ये भी आपके जेपीएससी के क्वेश्चन थे, और सेट कहीं ना कहीं हमने पहले भी बताया, ठीक है, ये भी आया था, ये भी क्वेश्चन थे, ठीक है, लिख सकते हैं।
तो कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? तो भूमिज विद्रोह 1769 में, 1769, ठीक है। बंगाल बिहार में कंपनी प्रशासन जंगल महाल क्षेत्र के भूमिजों की चुवार कहा करते थे। इस विद्रोह का नेता श्याम गंजम थे, ठीक है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14वां है। कितना स्थान है जी? 14वां। अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14वां है। नेक्स्ट,